नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और बड़े दुखी हृदय के साथ मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखिए हमारा चीकू का प्लांट जो कि इन ड्रमों में लगाया गया था, आधे आधे हाफ ड्रम में इतना बढ़िया पेड़ लगा हुआ था, इतने फल इसके अंदर थे। आप देख सकते हैं कि ये कल के भयावह तूफान की स्थिति ऐसी रही, ये सारे फल टूट गए हैं और पौधा भी इतना भारी भरकम पौधा जो है वो भी गिर गया है। देखें, जिधर देखेंगे सभी चीकू के फल, कच्चे फल ही ये टूट करके गिर गए। ये देखिए कितने फलों का नुकसान हुआ है। अगर ये चीकू सही ढंग से पकते तो लगभग 15 से 20 किलो चीकू जो है ये सभी निकलते, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिखरा हुआ है पूरी तरीके से। और ये इतना भारी जो कि हम दो चार आदमी मिलके भी इसको गिरा नहीं सकते थे, ये इतना बड़ा पेड़, भयंकर पेड़ इस तरह से गिर गया है और चीकू का नुकसान हुआ है। तो ये तो प्रकृति आपदा है, इसीलिए कहते हैं आपदा के आगे हमारा कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े फल चीकू के हैं, पकने को जस्ट ये तैयार थे। और ये ड्रम भी देखिए किस तरह से पलट गया है, मतलब जो हम चार आदमी नहीं मिलके कर सकते, हवा ने इसको इतनी बुरी तरह से झकझोर के गिर दिया है। देखिए क्या फल चीकू के लगे हुए हैं, इतने मोटे मोटे फल है, अब हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये नुकसान दोस्तों हुआ है और ये नुकसान जो है भरपाई योग्य नहीं है। इसी तरह ये देखिए, ये हमारा 6 साल पुराना जो है चंपा का पौधा वो भी इसी तरह से पलट गया है और कुछ इसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो फिर भी बचाव में है। आगे देखेंगे हम कि और क्या क्या नुकसान हो गया है। ये पुदीना देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है ना पत्तियाँ आपको झुलसी हुई लग रही है, ये हवा की तूफान की वजह से झकझोर के, लेकिन ये टूटा नहीं क्योंकि इसमें जो हम स्टोन पाउडर डालते हैं जिसकी मजबूती, ये देखिए ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिराइए ऐसे खड़ा हो जाएगा, मतलब एक रबड़ की तरह जो है पेड़ की तरह काम कर रहा है। और ये आपस में झकझोर के हवा के झूलने से ये सारे पत्ते इसके डैमेज हो गए, लेकिन फिर भी प्लांट खड़ा है बिल्कुल। आगे देखिए बेर का पौधा है जो कि इस समय में बेर फलता नहीं है, और आप देखेंगे ये बेर फला हुआ था, ये हवा के झोंकों से चोट लग के इसके भी फल काले पड़ गए हैं रगड़ खा के। और ये ड्रम भी कुछ पलट सा गया है, जबकि आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर नए फुटाव, किस तरह से नई टहनियाँ, मोटी टहनियाँ ये देखिए ये निकल रही थी इसके अंदर, अच्छी इसका जो ग्रोथ चल रहा था, लेकिन इसके भी पत्ते आप देखेंगे बिल्कुल बुरी तरह से चिथड़े उड़ गए हैं। ये एरोकेरिया का पौधा जो है हमारा लगभग 12 साल पुराना है, और ये हर बार जब तूफान आता है बंधा हुआ होने के बावजूद भी, ये देखिए इसको चोट लग लग के दीवार के साथ, और इसकी स्किन जो है दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, बीमार होता चला जा रहा है। लेकिन करें क्या, घर की 4th फ्लोर पे होने की वजह से इसमें काफ़ी हवा तेज़ होती है, और हवा तेज़ होने की वजह से ये नुकसान लाजमी बना रहता है। ज़मीन पर होता तो कुछ हद तक बचाव हो जाता है। तो दोस्तों अपने बचाव के लिए जितना हम कर सकते थे, देखिए यहाँ पे हमने इसमें दीवार में फास्टनर ग्राउट करके इसके साथ बांधा है, लेकिन हवा का वेग इतना तेज था कि इसको भी गिरा दिया, और बार बार गिरने की वजह से, बार बार चोट लगने की वजह से देखिए ये कुछ कंडीशन हो जाती हैं। तो इसको चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये देखिए अंगूर जो है हमारे 4th फ्लोर पर फला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसी 4th मंजिल है, और यहाँ पे अंगूर फला हुआ था वो भी ये बिल्कुल पलट गया है, गुच्छा आपको देखिए नज़र आ रहा है, और इसमें जो बिरड़ है ये इसके अंदर अंगूर का रस चूस रहा है, मीठा मीठा, बहुत ही मीठा अंगूर है, ये सारा पलट गया। आप देखेंगे गुच्छे, देखिए अंगूर के 4th मंजिल पे किस तरह से गुच्छे लगे हुए हैं, और इनका जो है मिठास, ये कुछ मधुमक्खी है और कुछ बिरड़ है, ये सब स्वाद लेते नज़र आ जाएंगे, लेकिन हवा के वेग से ये भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये गुच्छा भी देखिए टूट के गिरा हुआ है। ये जामुन का पौधा है, ये भी इस तरह से डैमेज हो गया, इसके पत्ते डैमेज हो रहे हैं। तो 4th फ्लोर पे लगाने का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। तो दोस्तों देखिए कि ये नुकसान जो हुआ है इसको हम दोबारा से रीअरेंज करते हैं, खड़ा करते हैं, कोशिश कर रहे हैं दो जने मिल के खड़ा हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा उस साइड ले, ये देखो ये इतना बड़ा पेड़ जो है, और कितना नुकसान अभी तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब सही दिखाई मायने में दे रहा है कि कितने फल इसके टूट के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, गिर गए हैं।
और कितने बचे हैं, ये इतना लगा हुआ था लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ फल बचे हैं, बाकी सब कच्चे ही झड़ गए ये, जो कि किसी काम के हमारे नहीं है। तो ये दूसरा पौधा भी गिरा हुआ है, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि इसको उठा के अपनी पोजीशन पे फिर से ले आए। इधर ये देखिए, इसको हम ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घुमाओ वापस। तो ये देखिए इस तरह से ये पौधा भी उठ खड़ा हुआ हमारा। हाँ, और इसमें तो फल काफी बचा हुआ, क्योंकि दीवार की ओट जो है कुछ लग गई थी, जिस वजह से इसके फल जो है कुछ बचे हुए हैं दोस्तों, नहीं तो उसका तो दूसरे पौधे का बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है।